भूख लगने से अगर आप भी हो जाते हो क्रैंकी, तो इस वीडियो को देखो और घर पे बनाओ टेस्टी फ्रैंकी। जी हाँ, इस वीडियो में हम फ्रैंकी की रेसिपी शेयर करेंगे और उसकी चपाती की भी, तो इस वीडियो को स्किप ना करें। Hi guys, my name is Mohsin Khan and I'm on the streets of Mumbai to cover yet another recipe. मैं हूँ ओशिवरा लोखंडवाला में और यहाँ पर अब खुदे है एक नई बेकरी शॉप एंड द नेम इज लाइव बेकर्स। क्या बात है, सो ये वी हैव लाइव बेकर्स और यहाँ पे जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं बर्गर्स, पिज्ज़ा, रोल एंड दे मेक सम लाइव केक्स ऑल्सो। खड़े खड़े आपको केक भी बनाकर दिखाते हैं। लोकेशन वाइज इट्स ईजी टू लोकेट, इज जस्ट नेक्स्ट टू श्रीजीज। श्रीजीज इट्सेल्फ इज अ वेरी बिग लैंडमार्क इन ओशिवरा। श्रीजीज के सिग्नल पे आओ, श्रीजीज के बाजू में ही है लाइव बेकर्स और यहाँ पे मैं इनके कुछ यमी यमी रोल्स कवर करने वाला हूँ। देयर वी सी यमी रोल्स। तो ये रोल्स की रेसिपीज आपके साथ शेयर करूंगा, इनकी फ्रैंकी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इनकी केक की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप देखते रहें माई काइंड ऑफ प्रोडक्शन। सो गाइस, यू आर वाचिंग माय काइंड ऑफ प्रोडक्शंस और मेरे साथ है लाइव बेकर के ओनर विशाल। विशाल कैसे हो? मस्त, आप बताओ। अरे मैं क्या बताऊँ, आप लोगों ने इनको देखा होगा टिकटॉक वीडियो में भी बहुत वायरल हुए हैं, पर टिकटॉक के अलावा ये मतलब केक शॉप भी आपकी बहुत सारी है। लाइव बेकर्स के बारे में बताओ यार, कितने क्या है मुंबई में? मुंबई में टोटल हमारे टोटल चार ब्रांच है। सबसे पहला ब्रांच हमारा जेबी नगर में और सेकंड ब्रांच हमारा वाशी में है और थर्ड ब्रांच हमारा थाने में और ये फोर्थ ब्रांच है ओशिवरा में। लाइव बेकर्स मतलब क्या है? कुछ लाइव बेकिंग होती है, क्या होता है कॉन्सेप्ट? क्या एक्चुअली क्या कॉन्सेप्ट है पता है सर? हमारा जो केक्स होता है ना, अगर जैसे कोई काउंटर में कस्टमर आता है, उनको जैसे कि ब्लैक फॉरेस्ट केक रेडी नहीं है काउंटर में, तो उनको जस्ट एक 10 मिनट्स में हम लोग रेडी करके देंगे, वो भी फ्रेश केक। 10 मिनट के अंदर फ्रेश केक रेडी हो जाता है जी सर। और बाहर मैंने काउंटर देखा है, वो क्या क्या है? उसमें सर आपको वेज फ्रैंकी और चिकन फ्रैंकी मिलता है, वो भी जब फ्रैंकी का जो रोटी वगैरह होता है, जितना मसाला वगैरह होता है, हम लोग यहाँ पर खुद बनाते हैं। क्या बात है यार, तुम मेरे को एक फ्रैंकी की रेसिपी आप लोग शेयर करके बताओगे हमारे व्यूअर्स को? जरूर जरूर सर, जरूर। सो गाइस, नाउ आई विल बी एंटरिंग द किचन ऑफ लाइव बेकर्स। पर्दा हटा के यहाँ पे अंदर आते हैं और यहाँ पे अब हम कवर करने वाले हैं इनकी वेज चीज़ फ्रैंकी की रेसिपी। और वेज चीज़ फ्रैंकी की रेसिपी बताने के लिए हमारे साथ में है, निकल जाए यार हमेशा अटक जाते हैं, आपका नाम? राम रतन सर। राम रतन है और राम रतन हमें वेज चीज़ फ्रैंकी की रेसिपी बताएंगे। तो चलिए आइए राम रतन जी, बताइए सामग्री क्या क्या लगने वाली है आपकी वेज चीज़ फ्रैंकी के लिए? वेजिटेबल काट के रखा हूँ सर। जी जी, क्या क्या काटा है यहाँ पे? क्या क्या? शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी। शिमला मिर्च है, गाजर है, पत्ता गोभी है, कोथमीर है, कोथमीर है, ग्रीन पीस। ये उबला हुआ है कि सादा है? उबला हुआ है। ये बॉइल्ड है, ओके। और ये यहाँ पे मुझे रोटी का मैदा, अच्छा ये जो रोल के उसके मैदा भी है चपाती का, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, गैस शुरू हो गया है। ये क्या कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं? ये ऑयल डाल रहा हूँ सर। जी, क्या मात्रा में ऑयल लेना है? 20 ग्राम सर। हल्का सा 20 ग्राम ऑयल। ये जीरा दिख रहा है मुझे, हल्का सा जीरा डाले इसमें सर। अच्छा, हल्का सा जीरा, हल्का सा जीरा। जी, ये क्या डाल रहे हैं आप? पेस्ट है सर, लहसुन मिर्ची अदरक का पेस्ट। ये कैसा, बस उनको मिक्स करके? मिक्स करके पीस किया है इसको, इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। ओके, लहसुन मिर्ची और अदरक का पेस्ट। इसको कितने देर तक भूनना? बस 2 मिनट सर, हो गया। 2 मिनट भूनना है, ओके। गाजर डाला, चॉप्ड कैरेट, ये एक मुट्ठी हल्का सा लिया आपने गाजर? हाँ सर। ये कितने फ्रैंकी का बैटर बन रहा है? ये 2 फ्रैंकी का सर। 2 फ्रैंकी की प्रिपरेशन। वेजिटेबल डाल जाओ। ये कैप्सिकम डाला आपने? कैप्सिकम डाल दिया, पत्ता गोभी डाल दिया मैंने सर, और ये कैबेज भी ले लिया आपने, तो थोड़ा सा भून देंगे हम इसको। अच्छा, इसको अच्छे तरीके से अब आप भूनने वाले हो। ये
एक ग्रीन पीस डाला सर जी। अच्छा ग्रीन पीस है, ग्रीन पीस मैंने डाल दिया इसमें, ग्रीन पीस डाल दिया, इसीलिए अब आप भून रहे हैं। अभी दो मिनट बजेगा सर, मैं इसके बाद फिर मैं आलू डालूंगा। इसे दो मिनट भूनना है और उसके बाद इसमें अब आलू डाला जाएगा। मसाले डाल रहे हैं, मसाला डालो सर, जीरा पाउडर है। ये क्या है? जीरा पाउडर। ये जीरा पाउडर है, ये आपने हल्का सा लिया? हल्का सा लिया सर, हाफ टेबल स्पून लग रहा है मुझे, हाफ टेबल स्पून है। हाँ सर, दो फ्रांकी के लिए हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर लिया गया है और यहाँ पे और भी मसाले हैं। ये आप ले रहे हैं नमक, नमक स्वाद अनुसार डालिए, और ये अब आप हल्दी डालने वाले, हल्दी डालने, ये भी आधा टेबल स्पून दिखाई दे रहा है मुझे। और ये अब लेने वाले हैं एकदम नाप तोल के, क्या है ये? ये सर गरम मसाला है। गरम मसाला, ओके। ये आपने तकरीबन एक टेबल स्पून लिया, क्योंकि इसका सर वेजिटेबल का सर मेन भाजी का मसाला यही। अच्छा अच्छा, इसलिए थोड़ा हल्का से ज्यादा डालना पड़ता है। किचन किंग मसाला है कि किचन किंग मसाला दिखाई दे रहा है मुझे, किचन किंग मसाला लिया, ओके। किचन किंग मसाला, अगर किचन किंग मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला भी ले सकते हैं। हल्का सा भून दिए सर, ओके। अभी मैं इसमें आलू डालूंगा, ओके। इसको हल्का सा मिक्स करने के बाद अब इसमें अब आलू पड़ने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई काइंड ऑफ प्रोडक्शन। उबला हुआ आलू है, उबला हुआ आलू है। ये कितना है आलू? ये 100 ग्राम सर, ओके। मैश करके डाल रहे, मतलब तकरीबन एक आलू लिया है, एक बड़ा वाला आलू लिया है, उबाल के रखा है। और इसे देखिए ऐसे मैश कर करके ये डाल रहे हैं सब्जी में। यहाँ पे मुझे कटा हुआ धनिया भी दिखाई दे रहा है। वेरी नाइस, मसाले पड़ चुके हैं और इसको मिक्स करने का सर हो गया। ये रेडी हो गया? हो गया सर अभी। सो गाइस, आई एम इनसाइड द किचन ऑफ लाइव बेकर्स एंड यहाँ पे राम रतन जी ने अब अंदर की जो फ्रैंकी की सब्जी है वो तो बना ली है, लेकिन अब फ्रैंकी का जो रोल है, जो ऊपर की चपाती है, वो अब बनाने वाले हैं और उसके लिए कैसे बनाना है देखिए डिटेल में स्टेप बाय स्टेप ये पूरी रेसिपी बता रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। देख, और ये गोल गोल आटे का भवरा दिख रहा है मुझे राम रतन जी, क्या है ये? ये मैदे सर। हाँ, ये मैदा है? मैदा है, ओके। और ये क्या करने वाले हैं अभी इसका? अभी इसको मैं पानी डालूंगा, इसको घोलूंगा, घोलने के बाद फिर इसको मैं गोल करूंगा और चपाती बनाओगे, ओके। फिर चपाती बनाऊंगा, गो फॉर इट। तीन सौ ग्राम मैदे में आपने हल्का सा पानी डाला, हल्का सा पानी डाला, एक चौथाई कप पानी डाला। हाँ सर, करी करिए आप। मैंने देखा आपने आटे में ना नमक डाला है ना तेल। नमक नहीं जाता है सर इसमें, ना तेल जाता है जी। अब इसको मैं गोल रेडी करने के बाद गोल करूंगा, गोल करने के बाद इसको तेल में थोड़ा घूंगा 5 मिनट जी। मैं इसको मैं गोल करूंगा सर। अच्छा, इसको गोला बनाएंगे? इसको गोला बनाएंगे अभी सर। गोला बेबी गोल बनाएंगे रोल। मैंने हल्का सा ऑयल, ये क्या है ये? अच्छा, ये ऑयल, ऑयल प्लेट में ऑयल लगा हुआ है। हाँ, अच्छा ऐसे आप कर रहे हैं। इसको दबाने से हल्का नरम होएगा, फिर इसके बाद अपन रोटी बनाएंगे। अच्छा, इसको दबा रहे हैं अभी। और ये नीचे भी प्लेट में तेल है, ये आपने बेस पे भी तेल लगाया है,
एग्जॉस्ट बंद कर दीजिए प्लीज, ऑडियंस को आवाज नहीं सुनाई देगी। हाँ, एक और बार बेस पे इन्होंने तेल लगाया है और ये पेड़ा लिया आपने, मैं देगा अभी मैं इसे बना रहा हूँ सर जी। बेलन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इन्होंने हाथों से ही इसे बेल लिया है। अब आप इसे फ्राई करने वाले, इसको मैं हल्का सा हाफ फ्राई करूंगा। हाफ फ्राई करने वाले? हाँ सर। ये हो गया। अच्छा, एकदम तुरंत आपको गरम तेल में इसको निकालने का ना, 10 सेकंड भी नहीं रखा आपने, हल्का सा रख के आपने निकालना है। सो गाइस, फ्रैंकी की जो स्टफिंग है वो बन गई है और उसकी जो चपाती है, जो रोटी है वो भी हमने बना ली। रामरतन जी ने उसकी रेसिपी शेयर की है। अब यहाँ पे ये जो काउंटर देख रहे हैं, दैट्स द लाइव काउंटर जहाँ पे फाइनल फ्रैंकी बनाते हैं और आपको एकदम ही ओपन सेक्शन में इनके सर्व करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर फाइनल टचेस के लिए राम रतन जी। सो राम रतन जी, क्या करने वाले हैं? अभी रोटी सेकने वाला हूँ सर। ओके, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, गैस पहले से ही ऑन है। ये क्या लिया आपने? बटर। बटर? हाँ, अमूल बटर। अमूल बटर है ओके। इनकी लाइव बेकर्स की फ्रैंकी में अमूल बटर मिलता है। और ये वेज चीज फ्रैंकी मिलती कितने की है? 70 सर। हाँ जी, 70 का। ओके, वेज चीज फ्रैंकी 70 रुपीज़ का है। ये चपाती जो हमने बनाई थी, मैदे की, पहले रोस्ट कर। ये हो गया रेडी? रेडी हो गया सर। अब क्या करने वाले? फिलिंग करूंगा मैं इसका। अब फिलिंग करने वाले हैं। ये बटर पेपर है? ये बटर पेपर है। बटर पेपर पे आपने इसे रखा। ये अब आपने शेजवान लगाया सर। शेजवान चटनी लगा रहे हैं। शेजवान सॉस और शेजवान चटनी की रेसिपी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। हल्की सी लगाई है आपने। ज्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो आप ज्यादा शेजवान चटनी भी लगा सकते हैं। कैबेज? कैबेज। कैबेज डाला इन्होंने। ये चाट मसाला सर। चाट मसाला और ये क्या डाल रहे हैं आप? इमली पानी। हाँ जी, इमली पानी। इमली का पानी? जी सर, हल्का सा इमली का पानी। और ये अब आप वो सब्जी जो हमने बनाई थी वो डाल। फ्रैंकी के अंदर की स्टफिंग हो रही है। बस हम लोग तो अभी खाते ही जा रहे, मजे ले ले कि उसके बाद खत्म हो गया। और एक टाइम पे कितना फ्रैंकी खा सकते हो? माशाल्लाह, अगर चाहो तो 3-4 खा सकते, मगर बस अभी फिलहाल एक। ओके सर, अब क्या बोलूं मैं आपको, मैं रेगुलर यही खाता हूँ, जब से खुली है मैं रेगुलर यही खाता हूँ। और आई थिंक या मैं बोलता हूँ कि मतलब ऐसी क्वालिटी मतलब कहीं नहीं मिली मुझे। What time is it? It's my favorite time, जब मैं ये वेज चीज फ्रैंकी खाऊंगा और आपको बताऊंगा इसका स्वाद कैसा है। I'm very happy कि इतनी डिटेल में हमने ये फ्रैंकी की रेसिपी शेयर की आप लोगों के साथ में। अंदर की स्टफिंग तो भी बताई है, लेकिन इसकी जो चपाती का रहस्य है ये भी हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है। थैंक्स टू राम रतन जी। राम रतन जी शुक्रिया एक और बार। मैं तो कर ही रहा हूँ, आप भी कमेंट्स करिएगा। और चलिए अब बाइट लेते हैं।
बट जैसे कि हमारी प्रथा है, आप पहला बाइट लीजिए, खाएंगे, आहा चीज़ी है, वो देखो मटर कूद कूद के बाहर आ रहा है, एंड वेज इसलिए चूज किया क्योंकि फेस्टिवल सीजन इज ऑन, सो यू कैन एंजॉय, एवरीवन कैन एंजॉय वेज. पहला बाइट लेते हैं. Fantastic. Wholesome. Chewable. Flavorsome. बहुत ही बढ़िया फ्रांकी बनाया है इन्होंने. बहुत ही टेस्टी है. और बेस्ट पार्ट इज इट्स वेरी इजी.